नमस्कार, ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। आज भारतीय सिनेमा को 105 साल पूरे हो गए हैं। पहली फिल्म आलमारा 25 मई सन 1913 को मुंबई में प्रदर्शित हुई थी तथा दूसरी बोलती फिल्म राजा हरिश्चंदानी और तीसरी फिल्म जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में बनी है वह भारत की पहली कलर फिल्म होने का गौरव उसके नाम है। मगर जिस जगह भारतीय फिल्म इतिहास की पहली मल्टी कलर फिल्म के दृश्यों को दर्शाया गया था वह किला अब खंडहर होता जा रहा है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मालवा का मिनी कश्मीर कहा जाने वाला नरसिंहगढ़ के मालवा क्षेत्र की सबसे संपन्न देशी रियासत और कस्बे की पहचान है। नरसिंहगढ़ किला दुर्ग कभी इसका वैभव देखते ही बनता था। सरपीली पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 300 फीट के लगभग 45 एकड़ क्षेत्र में 1,77,000 वर्ग फीट में भव्य इमारत का निर्माण कराया। राजधानी व मुगल शैली में निर्मित इस विशाल किले में 304 कमरे, 4 विशाल हॉल, 12 चौक और 64 बरांडे हैं जो अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले के बाद सबसे बड़ा किला है और इसके चर्चे बॉलीवुड तक पहुँचे, जहाँ मशहूर निर्माता निर्देशक महबूब खान को इस किले के वैभव और नरसिंहगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य ने बहुत प्रभावित किया और बन गई भारतीय फिल्म जगत की पहली मल्टी कलर फिल्म। और हमारे नरसिंहगढ़ जो कि एक ऐतिहासिक नगर है और हमारे नरसिंहगढ़ का सौभाग्य कि यहाँ पर एक आन फिल्म की शूटिंग वर्षों पहले यहाँ हुई और उस फिल्म की खासियत यह रही कि वो हिंदुस्तान की सबसे पहली कलरफुल फिल्म बनी थी। और यहाँ पर जो हमारा एक किला है, हमारे बड़े महादेव, छोटे महादेव, हमारे यहाँ की ऐतिहासिक कुछ बावड़ियाँ हैं, कुछ आसपास के क्षेत्र में हमारी फैले हुए ऐतिहासिक कुछ ऐसी धरोहर है जिनका उस फिल्म में शूटिंग की गई थी। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे वो ऐतिहासिक स्थल सुरक्षित और संरक्षित रहे। दरअसल नरसिंहगढ़ एक बंद शहर है। यह शहर कुदरती तौर पर चारों ओर से विभिन्न पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बीच में कटोरा नुमा समतल भूमि पर बसाहट है, खूबसूरत झीलें हैं, घना जंगल है, बरसाती झरने हैं। ये सब कुछ किसी फिल्म के लिए ज़रूरी तत्व होते हैं। तो महबूब खान ने जब इस शहर को देखा तो बेसकता कह बैठे, वाह कश्मीर ए मालवा। और तभी से इस शहर का नाम कश्मीर ए मालवा भी पड़ गया। फिल्म निर्माता महबूब खान ने एक रॉयल फैमिली की स्टोरी को लेकर फिल्म आन को बनाया था। यह फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज हुई। यह भारतीय रजत पट की पहली मल्टी कलर फिल्म थी। आज हमारे पीछे जो हम यह दुर्ग देख रहे हैं, यह नरसिंहगढ़ का किला, इसकी अब देश में एक अनूठी शान है। और शान का विशेष कारण यह है कि भारतीय सिनेमा जगत की पहली कलर फिल्म आन यहाँ पर बनी है, जिससे इसकी बनी है अनूठी शान। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियासत समय से उदय भारत तक यहाँ इस किले को 12 शासकों ने शासन करा, लेकिन विदेशी आक्रांता या अन्य दुश्मन ने किसी ने भी इस किले को फतेह नहीं किया। कुंवर चैन सिंह जी 24 जुलाई 1824 को अपने विश्वस्त साथी हिम्मत खां बहादुर खां लोधी के साथ अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। इस किले में भारतीय सिनेमा जगत की पहली फिल्म आन का फिल्मांकन स्वर्गीय महबूब खान साहब ने इसकी प्राकृतिक और खूबसूरत शैली को देखते हुए किया। इस किले के अंदर 304 कमरे, 12 हाल और 4 बरांडे है। यह किला एक सर्पिलाकार पहाड़ी पर बना हुआ है। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हमसे सब पूछते हैं कि आन फिल्म क्या आपके नहीं की नरसिंहगढ़ की बनी हुई है, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। ये फिल्म पहली फिल्म है जो कलर में बनी हुई है दिलीप कुमार साहब की। तो यहाँ पर इसको नरसिंहगढ़ को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, जो आसपास झरने, बारिश में और अच्छे अच्छे सुंदर दृश्य श्याम जी, बड़े महादेव जी, छोटे महादेव जी, सब नगर है, बिल्कुल खूबसूरत नगर है। 63 साल से यहाँ पर आज तक कोई भी यूनिट हमारे नरसिंहगढ़ नगर में नहीं आ पाई है। राजधानी भोपाल से 80 किलोमीटर दूर राजगढ़ जिले में स्थित मालवा का मिनी कश्मीर नरसिंहगढ़ महाभारत के मालवा क्षेत्र की सबसे संपन्न देशी रियासत है। इसके क्षेत्रवासी आज भी इस प्राचीन विरासत से इतने गौरवान्वित हैं कि नरसिंहगढ़ का नाम लेते ही रोमांचित हो जाते हैं। लेकिन रियासत और कस्बे की पहचान नरसिंहगढ़ दुर्ग है, जिसको स्थानीय लोग किला कहते हैं। यहाँ पर जो किले पर जो पेंटिंग हुआ करती थी उसे लघु मालवा शैली के नाम से जाना जाता था।
और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ के स्थानीय कलाकार माधवराव जी द्वारा बनाई गई है, ऐसा हमारे सर जे डी त्रिपाठी साहब ने हमें बताया कि, और इन कलाकार के हाथ की पेंटिंगें दिल्ली के म्यूजियम में लगी हुई है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे यहाँ का कलाकार आज राष्ट्रीय स्तर पे उसकी पेंटिंगें लगी हुई है। आज यह एक खंडर से ज्यादा कुछ नहीं, अपने समय के तमाम वैभव को अपने में समेटे यह किला आज शासन और राज्य परिवार दोनों की उपेक्षा झेलते झेलते अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। उसके खूबसूरत झरोके, उसकी नक्काशीदार मेहराबे सब खत्म हो चुकी है, झरोके गिर चुके हैं, अंदर असामाजिक तत्व सक्रिय है, तमाम तरह के गंदे कामों और अपराधों का अड्डा बन चुका है। इस किले की तामीर सन 1681 में संस्थापक रावत परशुराम जी ने कराई थी। उन्होंने राजगढ़ रियासत को विभाजित नरसिंहगढ़ कस्बा बसाया और अपनी राजधानी बनाकर अपने अग्रज रावत मोहन सिंह जी से अपने हिस्से के रूप में प्राप्त किया था। तब उन्होंने इस विशाल किले का निर्माण किया था। 1681 में स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 तक इस किले पर उमठ राजवंश के 12 शासकों ने शासन किया। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के गिने चुने किलों में से एक है जो उस समय दुश्मनों के आक्रमण के लिहाज से सुरक्षित माना जाता है। प्राचीन दुर्ग आज भी शान से खड़ा है, पराधीन भारत की यादें जुड़ी है जो इसे खास बनाती है, शौर्य और वीरता की ऐतिहासिक गाथा और महानता का साक्षी प्रमाण है। ये हमारे भारत की पहली मल्टी कलर फिल्म थी और हम नरसिंहगढ़ वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा खास बात इसलिए है कि इसकी आउटडोर शूटिंग का बड़ा हिस्सा हमारे नरसिंहगढ़ में ही हुआ था और इस लोकेशन पे फिल्म का सबसे जो चर्चित गीत है जो अभी भी चलता है संगीत प्रेमियों के बीच में, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, वो यहीं पे फिल्माया गया था। अभी बारिश के दिनों में जब हमारे परिचित लोग बाहर से आते हैं, रिश्तेदार लोग आते हैं नरसिंहगढ़ में घूमने के लिए, खासतौर से लोगों के मन में झरनों के लिए आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उन्हें यहाँ पे लाते हैं, फिर उन्हें हम बड़ा गर्व के साथ दिखाते हैं कि इस लोकेशन पे देखो ये गीत फिल्माया था, और उसके साथ यूट्यूब पे निकाल के दिखा भी देते हैं तो एक प्रूफ भी हो जाता है। बड़ा अच्छा लगता है सोच के कि हमारा नरसिंहगढ़ इतना खास था, है अभी भी है। सभी से हम लोग यही अपेक्षा करेंगे, प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से, कि नरसिंहगढ़ के वो दिन वापस लौटें, यहाँ अच्छी अच्छी फिल्मों की शूटिंग हो, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ की डॉक्यूमेंट्रीज जाएँ, ये गऊघाटी की डॉक्यूमेंट्री जाए, जो भी इतनी खूबसूरती अगर बढ़ेगी तो नरसिंहगढ़ का विकास होगा, हमें भी अच्छा लगेगा। For more information, log on to www.clips.in.